आज आप सभी के बीच इस सुंदर कैंपस में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। शिक्षा से मेरा आत्मीय संबंध है। अपना सार्वजनिक जीवन शुरू करने से पहले मैंने एक विद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया था। शिक्षा से जुड़ी किसी भी कार्यक्रम में आकर मुझे विशेष प्रसन्नता होती है। आज डिग्री प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबके माता पिता, परिवारजनों, गुरुजनों और सभी प्रियजनों को भी मैं बधाई देती हूँ। आपकी जीवन यात्रा में इस जगह तक पहुँचने में उन्होंने विशेष भूमिका निभाई है। आपकी सफलता के पीछे समाज का भी योगदान है, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप समाज के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समाज सेवा को भी अपनी प्राथमिकता में शामिल करेंगे। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि NIT कुरुक्षेत्र इस वर्ष अपनी डायमंड जुबली मना रही है। सन 1963 में स्थापित हुई इस संस्थान के भारत के सबसे पहले NIT में से एक होने का गौरव प्राप्त है। NIT कुरुक्षेत्र में इस धर्म क्षेत्र में साइंटिफिक टेम्पर को प्रसारित करने में एक अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाई है। पिछले 6 दशकों में देश और विदेश में उच्च शिक्षा के तकनीकी संस्थानों के बीच NIT कुरुक्षेत्र ने एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इस संस्थान के 40,000 से अधिक पूर्व छात्र ने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है और विश्व स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ के विद्यार्थियों ने सिंगापुर से लेकर सिलिकॉन वैली तक, सिविल सोसाइटी से लेकर सिविल सर्विसेज तक सभी क्षेत्र में अपना स्थान बनाए हैं। NIT कुरुक्षेत्र की इस गौरवशाली यात्रा में शामिल रहे अतीत और वर्तमान की सभी अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। NIT कुरुक्षेत्र के 5800 विद्यार्थियों में से 1100 से अधिक लड़कियां हैं। आज डिग्री प्राप्त कर रहे हैं लगभग 2800 विद्यार्थियों में से 500 से अधिक, यानी लगभग 18% लड़कियां हैं। आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स विषयों में भी और अधिक लड़कियां आगे आएं। देवियों और स्वजनों, आज पूरा विश्व तेजी से हो रही परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन से नेचर ऑफ जॉब्स में बदलाव हो रहा है। इस टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन से लोगों की बुनियादी जरूरतों में भी बदलाव आ रहा है। इससे इंजीनियरिंग की आप तक की पद्धतियों को भी चुनौतियाँ मिल रही है। इस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट के वजह से हो रही बदलाव के कारण ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि NIT कुरुक्षेत्र सहित हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस फ्यूचर रेडी बने। करिकुलम और पेडागोजी में परिवर्तन करके विद्यार्थियों को फ्यूचर रेडी बनाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख उद्देश्यों में से शामिल है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि NIT कुरुक्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज को शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे ये भी जानकर विशेष खुशी हुई कि NIT कुरुक्षेत्र ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेमिनार सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की है।
इस सेंटर में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन डिजाइन्स तथा ई मोबिलिटी पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस क्षेत्र की स्थापना में से इंडस्ट्री, एकेडेमिया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थाओं जैसे डीआरडीओ और बीएचईएल के साथ सहयोग बढ़ रहा है। ये गर्व की बात है कि एनआईटी कुरुक्षेत्र इस तरह का केंद्र स्थापन करने वाला उत्तर भारत में पहला और पूरे देश में दूसरा एनआईटी है। मैं इस पहल के लिए इस केंद्र से जुड़ी सभी लोगों को बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि ये केंद्र लोगों की समस्याएं सुलझाने में अहम भूमिका निभाएगा। देवियों और सज्जनों, हरियाणा और पंजाब के इस क्षेत्र का भारतीय कृषि के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ के प्रगतिशील किसानों ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके हरित क्रांति को संभव बनाया और देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान की। लेकिन आज इस क्षेत्र में बढ़ता वायु और भूमि प्रदूषण तथा भूजल का गिरता स्तर एक बड़ी समस्या के रूप में उभारा है। एनआईटी कुरुक्षेत्र का ये दायित्व है कि इन संस्थाओं का समस्याओं का तकनीकी समाधान निकाले। पैंडेमिक के दौरान ये स्पष्ट हो गया है कि भारत का आम नागरिक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है। डिजिटल पेमेंट की सफलता इसका उदाहरण है। अगर टेक्नोलॉजी समाज के भलाई के लिए है तो उसे जनता का भरपूर सहयोग मिलता है। मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग का बाय प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में भी होता है। हम सबको टेक्नोलॉजी फॉर सोशल जस्टिस की सोच के साथ आगे बढ़ना है। इसकी चिंता करनी होगी कि वंचित वर्ग इसमें पीछे ना रह जाए और इसका प्रयोग समतामूलक समाज के निर्माण के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे संविधान में सभी नागरिकों के लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख किया गया है। इनमें से एक है साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म की भावना को विकसित करना। पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन ने सन 1964 में आईआईटी मद्रास के दीक्षांत समारोह में कहा था, एंड आई कोट, इफ वी वांट टू टैकल द प्रॉब्लम्स व्हिच आवर कंट्री फेसेस, इट इज एसेंशियल फॉर अस टू डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वी मस्ट डेवलप दिस थिंग्स, वी मस्ट एडॉप्ट ए साइंटिफिक आउटलुक, एंड आई अनकट। ये आप सबका कर्तव्य है कि आप जागरूक समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। मैं आजकल देखती हूँ कि शिक्षा या डिग्री की सफलता का मापदंड कैंपस प्लेसमेंट में अधिक सैलरी पैकेज हो गया है। यानी जिस विद्यार्थियों की जितना ज़्यादा सैलरी पैकेज मिलता है उनको उतना ही सफल माना जाता है। अधिक सैलरी पैकेज मिलना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिस विद्यार्थियों को अच्छा से सैलरी पैकेज नहीं मिलता है उनकी योग्यता कम है। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप कभी भी अपनी सफलता को पैकेज के आधार पर ना अंके। आपको सफलता की पारंपरिक धारणाओं और सामाजिक दबावों से सीमित नहीं होनी है। आपको ये तय करना है कि आप वास्तव में अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। आप केवल वही करियर चुने जिससे आपको संतोष और जीवन में सार्थकता का अनुभव हो। मैं सभी अभिभावकों से भी अपील करती हूँ कि अपने बच्चों को एक्सीलेंस के लिए प्रेरित करें। एक्सीलेंस के लिए प्रयास करते रहने पर अन्य सभी उपलब्धियाँ अपने आप हो जाएगा। आपके संस्थान का ध्येय वाक्य है, श्रमो
अनवरत चेष्टा च, जिसका अर्थ है कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास उत्कृष्टता की ओर ले जाते हैं। मैं कामना करती हूँ कि ये संस्थान विश्व स्तर पर तकनीकी शिक्षा में नई मापदंड स्थापित करे। मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।